तो हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। मैं अभिषेक आप सब लोगों को वेलकम करता हूँ। सो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, जो काफ़ी दिनों से काफ़ी सारे बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं लगातार कि सर डिप्लोमा फाइनल ईयर का एग्जाम कब होगा, रिजल्ट कब आएगा और लीव के फॉर्म कब भरे जाएंगे। इन सब बातों को लेकर काफ़ी दिनों से कमेंट कर रहे हैं, क्योंकि आप सबको पता है अगर लीव के बारे में कोई भी जानकारी को तो आपको पूरे यूट्यूब पे, सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल पे राजस्थान के लीव के जो एडमिशन होते हैं उसके बारे में सब आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे जानकारी मिलेगी। इसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारी वीडियोज़ बना रखी है, उन सारी वीडियोज़ की प्ले लिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ जाके आप उन वीडियोज़ को चेक कर सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों कि अब अगर आपको लीव में एडमिशन लेना है, सबसे पहले तो बात करें थर्ड ईयर के रिजल्ट की, थर्ड ईयर का एग्जाम कब हुआ। तो देखिए, सबको बताना चाहता हूँ कि थर्ड ईयर के एग्जाम होंगे, डेफिनेटली होंगे। सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर के जो बच्चे वो प्रमोट हो जाएंगे। तो अगर आपकी फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में कोई बैक है, जो भी थर्ड ईयर में है एट प्रेजेंट, तो आपकी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की कोई भी बैक नहीं रहने वाली है। अब मान लो कि आपको थर्ड ईयर के एग्जाम देने, तो देखिए थर्ड ईयर के एग्जाम होंगे तो सही, सबसे पहली चीज़ ये दिमाग से निकाल दो कि पिछले साल जो पैटर्न था यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो इस साल नहीं रहने वाला है। यानी कि इस साल आपका ऑब्जेक्टिव पैटर्न ना रह के पूरे पूरे आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएंगे। लेकिन क्योंकि एजुकेशन सिस्टम में ये कहा गया है कि एग्जाम के क्वेश्चन आपको बहुत कम करने पड़ेंगे, 3 क्वेश्चन कंपलसरी करने पड़ेंगे, तो हो सकता है आपके जो क्वेश्चन आंसर आएंगे वो कम आए। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, आपको क्वेश्चन कम लिखने पड़ेंगे, आंसर कम लिखने पड़ेंगे, तो हमारी परसेंटेज ज़्यादा बनेगी, परसेंटेज पे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा इस मार्किंग सिस्टम को लेके, तो परसेंटेज तो आपकी बन जाएगी। अब बात करते हैं लीव के एडमिशन की। तो देखो दो बातें ध्यान रखो, अभी लीव 2021 यानी कि 2020 2021 के एडमिशन अभी चालू नहीं हुए हैं। सबसे पहले आपका एग्जाम होंगे, यानी कि वो एग्जाम कब होंगे, जुलाई के महीने में होगा, ठीक है, जुलाई से पहले आपके एग्जाम नहीं होंगे पॉलिटेक्निक के। दूसरी चीज, एग्जाम होने के तुरंत बाद यानी कि जैसे ही एग्जाम खत्म हो जाते हैं उसके बाद आपके सामने समस्या सबसे बड़ी क्या आ जाएगी, रिजल्ट की। तो एग्जाम होगा, एग्जाम के बाद आपका रिजल्ट आएगा और रिजल्ट आने के बाद ही आपके लीव के फॉर्म शुरू होंगे, वो भी 5 से 6 दिन बाद। तो जो भी बच्चा ये सोच रहा हो कि मैं अभी लीव का फॉर्म भर दूंगा, लीव का फॉर्म कब होगा, तो अभी डेट नहीं आने वाली, ध्यान रखना। जब तक आपके एग्जाम हो नहीं होते, जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता, तब तक लीव का फॉर्म नहीं आएगा। हाँ, जैसे ही लीव का फॉर्म आएगा फिर मैं वो आपको अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दूंगा और आप वहां से देख सकते हैं। बट दोस्तों, जब तक अगर लीव का फॉर्म नहीं आए, कब तक, जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक लीव का फॉर्म नहीं आएगा और मैं आपकी किसी भी तरह से हेल्प नहीं कर सकता। बट जैसे ही फॉर्म आ जाएगा, किस तरह से फॉर्म भरना है, क्या सारी चीज़ें करनी है, उसकी जानकारी मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारी वीडियोज़ बना रखी है, वो सारी वीडियोज़ आप डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर सकते हो, जरूर जाना और उन सारी वीडियोज़ को चेक करना। इसके अलावा और भी अगर आपके कोई डाउट हो लीव एडमिशन को लेके या फिर डिप्लोमा के एग्जाम को लेके, तो देखो डिप्लोमा का थर्ड ईयर का एग्जाम होगा, लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखिए, जो आपके पिछली बार की तरह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे 30 वो नहीं आएंगे, वही आपका 70 नंबर का पहले जो पेपर होता था वही होगा। बट यहाँ देखिए क्वेश्चन कम कर दिए जाएंगे, ऐसा हो सकता है, तो क्या करा जाएगा। बट मैं कहूँगा अभी फिर से एक बार आप सबके सामने फिर से एक बार मौका है कि आप सब लोग पास होकर थे, तो जो भी बच्चा है एग्जाम फॉर्म जरूर भरे, चाहे चाहे वो रेगुलर कॉलेज जा रहा था या नहीं जा रहा था, आप सभी लोग एग्जाम का फॉर्म जरूर भरे, वो चीज़ आपके काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। सो इसके अलावा अभी अगर आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी कमेंट, तो आप लोग कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। सारे डाउट आपके क्लियर करने के लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूँ, प्रीवियस वीडियो भी लगातार देखते रहे। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।